नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी जब आए तो परिजनों के साथ बैठे, हमारे परिवार की सभी सदस्य भी थे, महिलाएं भी थीं, और हम सब लोगों ने अपनी पीड़ा को, अपने दुख को उनके सामने बताया भी, व्यक्त भी किया, वो खुद भी जानते हैं, बहुत सी चीज़ें थीं। उन्होंने कहा तो हमने आपसे उसी दिन ही उन्होंने शोक व्यक्त किया था घटना के तुरंत बाद। अब अगर उन्होंने कोई मांग की है सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से, तो ये वेलकम करने योग्य उनकी मांग है। अब हमने आपको भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक दल, और वो भी उत्तर प्रदेश के प्लेटफार्म पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब इसको जिस चश्मे से जो देखे, उनका कहीं आना जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में तो माने रखता है। और आपको पता है कि हमारे भतीजे हैं मन्नू अंसारी साहब, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। हम स्वयं गाजीपुर लोकसभा सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सूची में अपने कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़ाने का हम पर भरोसा किया, हमारा नाम दिया है उसमें। तो भाई ये कैसे, एक तो स्वाभाविक बात है, जब उस कोई मुखिया और अपने उस परिवार से, पार्टी भी एक परिवार है, उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, और उसके पास वो जाता है, उसे सांत्वना देता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसको उनके आने से काफ़ी राहत मिली होगी, हिम्मत मिली होगी। चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, इसलिए अखिलेश यादव को आना पड़ा। अब बाहर की चर्चाओं को तो हम नहीं जानते, हमने आपकी चर्चा देखी थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ, फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक एक बजे रात में आया था और एक एक बजे दिन में आया था। जो एक बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई, और जो एक बजे रात में आया था, मैं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है, और ये कमेंट सुशोभित नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि आपके बड़े भाई सिबकतुल्ला साहब भी नहीं मिले, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई सोम सलात के पाबंद आदमी हैं, इस वर्ष 50वां वर्ष है उनका, जब रमज़ान के महीने में वो 300 रोज़ा भी रहते हैं, और अंतिम 10 दिन एतकाफ कहा जाता है, एक तरह की विशेष पूजा है, ये एक तरह की विशेष इबादत है। तो वो पिछले 50 वर्षों से एतकाफ में मस्जिद के अंदर समय गुजारते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रोज़ा रहते हैं, वहीं कुरान की तिलावत करते हैं, वहीं सोते हैं, उनका 24 घंटे का रूटीन 10 दिनों तक, ईद किया चांद देखने के बाद ही वो घर लौटेंगे चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ। 16 बहुत गलत है, 16 मुकदमा केशव मौर्य पे रहा है, 16 मुकदमे के मुलजिम है, 302 के भी मुलजिम है, खुद माफिया हैं, और विधायक का चुनाव भी हार गए, और वो बेशर्म लोग हैं कि हारने के बाद भी पद स्वीकार है, और ऐसे लोग लंबी लंबी बात करते हैं, तो क्या करना। नौवा कितना बाल हमार सिरवा में, बाबू साहब ये पूछले रहुआ, और नौवा कहले रहुए कि बाबू साहब अब अगवें आवता, केशव मौर्या या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, या मोदी जी और उनका जो
तिलिस्म है वो भारत की जनता के सामने टूट चुका है। इस घटना से ही नहीं, पूरे देश को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, दब गया इस तरह की घटनाओं में। इलेक्टोरल बांड का मुद्दा दब गया इस तरह की घटनाओं में, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना ईवीएम मशीन और वीवीपैट की निकली हुई पर्ची का 100% मिलान किया जाए। आगे चल के अगर इसके संबंध में आदेश हो गया 100% का, तो कहानी खत्म हो जाएगी। ईवीएम मशीन की कहानी खत्म हो जाएगी, बेईमानी नहीं हो पाएगी। अब